भाईजान की भी बात कर लेते हैं। टाइगर का नया प्रोमो आ गया, यस, ठीक है, छोटा निकाला, 50 सेकंड का एक्शन पैक वाला एकदम। हाँ वही, मतलब दो चार डायलॉग मारे हैं, म्यूजिक लगा दिया और एक्शन दिखाया बस, बस ऐसे ही, ऐसे कुछ ज्यादा खास नहीं था। कुछ नए शॉट्स हैं एक्शन के उसके अंदर, कुछ ही हैं। हाँ बट अच्छा है, मतलब एक वीडियो के हिसाब से CGI भी काफी कंपेलिंग है, मतलब अच्छा लग रहा है क्वालिटी वगैरह बिल्कुल। अब तो हो गया ना भाई, 10 दिन भी नहीं बचे पिक्चर को, अब तो बस 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 अब तो आ ही गए। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं भाई। आई एम ग्लैड कि मतलब ये इसको अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब भाई एक हफ्ते पहले ट्रेलर दे रहे हैं और फिर बिल्कुल एब्सेंट है मूवी। स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है और काफी सही किया है। देयर इज अ प्लान फॉर द मूवी, तो ये अच्छा लगा मुझे। अभी देखना है कि अब ये बिल्ड आगे क्या करते हैं इसके बाद। हाँ यार, मतलब एक्साइटेड हूँ मैं इस यूनिवर्स को लेकर। इससे आइडिया लग जाएगा कि उनका क्या स्केल है यूनिवर्स को लेकर, क्या वो स्टोरी को वही रिसाइकल कर करके दिखाएंगे, या एक्चुअल में कुछ नया एक्साइटिंग होने वाला है अपने सामने। एक्चुअली तुम देखोगे ना टेक्निकली, जैसे टाइगर 3 जो है, टाइगर 3 की अपने लेवल पे एक टाइगर 3 मूवी है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा हाइप जो है ना, वो एक जो उनका जो कंबाइंड यूनिवर्स है ना उसको लेके बहुत ज्यादा हाइप है कि अभी आगे इसको टाइगर वर्सेस पठान से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो पठान का क्या कैमियो रहेगा, और इसकी बहुत ज्यादा हाइप है कि विलन कौन होगा। वो देखने के लिए मेरे को लगता है मैं मतलब पर्सनल लेवल पे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तो ठीक है, मूवी का प्लॉट बेसिक समझ में आ रहा है कि काफी हिसाब से भी वो शूटिंग भी वॉर की 2 की कंप्लीट कर ही रहे हैं वो अपने। हाँ एक्शन सीन्स भी कर लिए उन्होंने, फिर एक्टर का जो बचा उचा होगा वो भी करेंगे अपना। टाइम पे आ जाएगा माल यार, वैसे टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास लोर अपने लिए तैयार बैठा हुआ है, थ्योरी सीरीज बनेगा। लेकिन यूनिवर्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अब का जो स्केल आप लोगों के सामने रखना चाह रहे, ठीक है, आप दिखाओगे, जब दिखाओगे वो बात अलग हो गई। लोगों के सामने जो आप एक स्केल का आइडिया दे रहे हो ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, अपन LCU से देख सकते हैं, ठीक है। वो यूनिवर्स को तुम देखोगे तो इंटरकनेक्टेड बोला जा रहा है, लेकिन अब तक अपने को ऐसा कनेक्टेड कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, माइनर कैरेक्टर्स इधर उधर हो गए, इकलौती चीज जिसके कारण वो एकदम से सब ब्लॉक कर गया वो था रोलेक्स की एंट्री, ठीक है। उससे तुमने विलन का जो है एक लोगों को सपना दिखा दिया कि ये विलन होगा और जब ये आएगा तो पिक्चर फाड़ देगी, उसके ऊपर पूरा वो यूनिवर्स टिका हुआ है। क्योंकि तुम मतलब कनेक्टेड मूवीज देखोगे तो कैथी हो गया, ये हो गया और लियो हो गया, विक्रम, तीनों के हीरो ने आज तक क्रॉस नहीं किया एक दूसरे की पिक्चर में, जबकि यहाँ पे हो चुका है। सलमान खान टाइगर आया हुआ था पठान के अंदर, अरे भाई मस्त एस्टैब्लिश किया उन्होंने। तो जो तुम एक ड्रीम बेच रहे हो कि हाँ मूवी हमारी यूनिवर्स इस लेवल तक जा सकती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और होपफुली वो लोग इस चीज को टाइगर 3 के अंदर करें, राइट, वरना वही फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वही चले जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो ये स्पाई यूनिवर्स का एंड गेम इवेंट आते आते कब तक टाइम लगेगा? टाइगर वर्सेस पठान बनाना चाहिए, मतलब एक शॉर्ट टर्म एंड गेम, वो तो मेरे को हाँ वो तो मिनी क्रॉसओवर हो गया। नहीं नहीं, तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी हो जाएगी। आई थिंक टाइगर वर्सेस पठान के बाद क्या पिक्चर मायने रखेगी स्पाई यूनिवर्स के लिए, कि वॉर 2 में ये लोग एक वो प्रॉपर एंटागनिस्ट को सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। अभी टाइगर 3 में कुछ भी नहीं होगा, टाइगर 3 में ये टाइगर वर्सेस पठान का बैकड्रॉप सेट करेंगे, और वॉर 2 के बाद टाइगर वर्सेस पठान के बाद आई थिंक पठान 2 होनी चाहिए। हाँ probably, या फिर न्यू लीड की जो बात वगैरह चल रही है, जो आलिया भट्ट वाली, हाँ, उसमें नहीं करेंगे, उसमें नहीं, उसमें तो वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन सोलो मूवी टाइप की चलेगी, मतलब उसको भी इंट्रोड्यूस कभी तो उनको करना पड़ेगा, तो मतलब हाँ मतलब उसमें, पर उसमें कुछ ऐसे बहुत ऐसे माइंड फक टाइप का नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगता है। अबे तुमको वो न्यूज़ पता चली रामायण वाली, क्या हुआ? हाँ वो हिमेश ने काफी महीनों